जिला अस्पताल के टीएनएम कर्मचारियों ने दिया धरना। टीएनएम कर्मचारियों को संस्था द्वारा सेवा समाप्ति का नोटिस दिया जाने के विरोध में आज टीएनएम कर्मचारियों ने जिला अस्पताल में प्रदर्शन करते हुए सीएमओ, सीएमएस और नगर विधायक को ज्ञापन दिया है। टीएनएस कर्मचारियों की मांग है कि वह पिछले कई तीन वर्षों से अपनी सेवाएं देते चले आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनको एकदम सेवा से वंचित कर देना न्याय हित में नहीं होगा। इस अवसर पर टीएनएम कर्मचारियों ने एकजुट होकर नगर विधायक मनीष सिसोदिया को ज्ञापन सौंपा तथा मांग की है कि उन्हें पुनः सेवा में बहाल किया जाए। सर, हम लोग यहाँ पे आज हम सब लोग विज्ञापन देने के लिए धरना हमारा है। हमारी मांग है कि हम लोगों को बताया गया था कि रोजगार दिया जाएगा, सरकार कहती है कि रोजगार दिया जाएगा, आज हम लोग को बेरोजगार किया जा रहा है। बताइए आप, हम लोग कहाँ जाएं और क्या करें? हम बस इतना चाह रहे हैं कि हमारी नौकरी न हटाई जाए, हमें किसी यहाँ से हटाए किसी भी। ये UPHSP एक प्रोजेक्ट था जो हॉस्पिटलों के सुदृढ़ीकरण के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिसमें TNM द्वारा भर्ती की गई थी। आज से 3 साल पहले सभी TNM कर्मचारी जो UPHSC द्वारा बनाए आउटसोर्सिंग द्वारा भर्ती हुए थे, उनको जो है आज अब नोटिस दे दिया गया है। उनको 30 मार्च को इनकी सेवाएं समाप्त की जा रही हैं। तो ये 3 साल से जो यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे थे, ये बिल्कुल रोड पे आ जाएंगे। अब ये कहीं नौकरी देखने लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग ओवरेज हो गए, ओवरेज होंगे वो नौकरी कहाँ से देखेंगे, जबकि इनको कह के रखा गया क्या, तो तुम संविदा पे ऐसे ही चलते रहेंगे, आपको निकाला नहीं जाएगा। लेकिन आज ये हमें नोटिस मिल गया है, इसके विरुद्ध में हम जो अपने ये ज्ञापन दे रहे हैं और कल से हम जो है उस पे जाएंगे कार्य बहिष्कार पे। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज, फिरोजाबाद।